क्यों इस बाघिन का अंतिम संस्कार इतने सम्मान के साथ किया गया? आखिर क्या थी वजह जिसकी मौत से लोग आंसू नहीं रोक पाए? दरअसल मध्य प्रदेश की ये बाघिन कोई आम बाघिन नहीं है। ये अपने विशेष गुणों के चलते सिर्फ देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी मशहूर थी। आमतौर पे एक टाइगर की उम्र लगभग 8 से 10 साल तक ही होती है, लेकिन ये उससे कई ज्यादा सालों तक जिंदा रही। सन 2005 में पेंच नेशनल पार्क में जन्मी ये बाघिन, जिसे T15 भी नाम दिया गया, लेकिन बाद में इस पे नजर रखने के लिए इसके गर्दन पर एक रेडियो कॉलर लगाया गया और तब से ये कॉलर वाली के नाम से फेमस होने लगी। देश विदेश से लोग पेंच नेशनल पार्क में सिर्फ इसे देखने के लिए आते थे, क्योंकि इसके नाम सबसे ज्यादा टाइगर को जन्म देने का रिकॉर्ड जो दर्ज है। इन्होंने 10 सालों में लगभग 29 बच्चों को जन्म दिया, जिसके बाद इसे सुपर मॉम भी कहा जाता था। लेकिन बढ़ती हुई उम्र के साथ ये कमजोर पड़ती जा रही थी और फिर 15 जनवरी 2022 को शाम के वक्त 17 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली। दोस्तों, इस बाघिन के लिए एक लाइक तो बनता है,